ओए, अब हमारे ग्रुप में सिर्फ तू ही कुंवारा बचा है। देखना, अब तो पांडू की भी शहनाई बच गई यार। अबे कम से कम आज तो यहाँ कोई लड़की पसंद कर ले। छोड़ यार। क्या मैं तेरे लिए कोई अच्छी लड़की पसंद करूँ? तू पीना है। आशिक बनने से लेकर फूल देने तक लोगों को अपनी फिल्म खुद बनानी चाहिए। मैं अपना टेस्ट अच्छे से जानता हूँ। अगर लड़की सैकड़ों के बीच में भी हंसे ना तो दिल धड़कना चाहिए। सही। अरे उसकी आंखों में भी एक स्पार्क होना चाहिए। और सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं है, शी शुड बी इंटेलिजेंट आल्सो। इंटेलिजेंट? कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? She's my friend. Congratulations. कार्तिक यार, वो लड़की अपने किसी फ्रेंड के साथ शादी में आई थी और वो दुल्हन की दोस्त की दोस्त है। दोस्त की दोस्त? ए, हाँ? इसे देख। ओफो, तुमने देर कर दी, बहुत मस्त है, पर अब मैं इसका नौकर बन गया। पदु, तुम इसे जानती हो? हाँ, ये तो स्वाति के साथ आई थी, पूछ के बताऊंगी। देख, कुछ भी करके मुझे इसका नंबर। मैं देख लूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं इसे ढूंढ के तेरी गोद में डाल दूंगा खेलने के लिए। गोद में डालने के लिए नहीं चाहिए, ना ही उसके साथ खेलना है। तू बस फोन नंबर निकाल। आई जस्ट नीड हर फोन नंबर। तू उसे पटा लेगा? हाँ बिल्कुल। खाना खा के जाना है? जरूर। कोई गिफ्ट नहीं लाया? ऐसी गंदी आदत नहीं है मुझे। आदत नहीं है, कंजूस। गिफ्ट मांगते हुए शर्म नहीं आती। थैंक यू, मैंने बस गिफ्ट के लिए तो शादी की है। हाय कार्तिक। हाय राम। ओए चल कैंटीन चलते हैं। तो तुझे अपने दोस्त की शादी में एक लड़की मिल गई? हाँ। तो पहली नजर का प्यार? हाँ, अभी प्यार नहीं हुआ यार, बस इंटरेस्ट है। कहाँ है कार्तिक, ये अपना सर क्यों खुजा रहा है? अबे ये पीना अच्छी आदत नहीं है। ए रुक रुक रुक, वेस्ट क्यों कर रहा है यार? कार्तिक कभी कुछ वेस्ट नहीं होने देता। अरे यार कार्तिक, तुझे याद कर रहा था और तू ही आ गया। अरे कुछ और मांगता तो वो भी मिल जाता। तेरा बुझा हुआ चेहरा देखकर और तेरी ढीली बॉडी देखकर मैं समझ गया कि ये लव मैटर। मम्मी कसम यार, तुझे कैसे पता? ये जानने के लिए कि समंदर का पानी खारा है, मछलियों को गूगल नहीं करना पड़ता। अरे क्या बोला है कार्तिक, लिख ले। अच्छा, तुझे कभी लव हुआ है? हाँ, बस होने ही वाला है। अच्छा, भाभी दिखने में कैसी है? खूबसूरत है क्या? बहुत ज्यादा। खूबसूरती का डेफिनेशन है वो। मतलब तूने उसे घूर घूर के देखा है, उसका नाम क्या है? पता नहीं। अच्छा रहती कहाँ है? नहीं पता। यार तू तो तेरी सेटिंग कर लेगा, मेरा भी कुछ कर देना यार। ओहो एचआर सर, आप मेरी मदद कभी करते हैं क्या? अपनी ऑफिस में नौकरी देने को कहा तो कभी नहीं देता। बस कर यार, बिना वजह शक कर रहा है। कंपनी में 8 घंटे की नौकरी निकलेगी तो बताऊंगा। ठीक है, रात को घर आ जा, 2 बॉटल पियेंगे, लड़की बटाएंगे। मधु। हाँ भोगना। ये प्यार जो है ना, स्नूकर गेम की तरह है। लड़का स्टिक है, लड़की
बॉल है। और प्यार होल। यस। हर आदमी कोशिश करता है कि वो स्टिक से बॉल को होल में डाल दे, पर ये इजी है क्या? अरे नहीं यार, ये तो एक कला है, कला। मालूम है क्या, मुझे मेरी पुरानी दोस्त से ही प्यार हो गया है, फिर भी उससे कैसे बात शुरू करूं मेरी समझ में ही नहीं आता। और तू पता नहीं कैसे एक अनजान लड़की के प्यार में पड़ गया, वो भी सिर्फ उसका नंबर लेने के लिए। क्या कॉन्फिडेंस है यार तेरा। मैं तुझे फ्रेंकली बताता हूँ, कॉन्फिडेंस गया भाड़ में, सिचुएशन है। अच्छा, वो हमसे आके आई लव यू कहे, इसके लिए हम कोई क्रिकेट स्टार है या फिल्म स्टार है? कुछ भी नहीं। पहले तो उनका अटेंशन कैच करो। अच्छा। उसके बाद उन्हें अट्रैक्ट करो और उसके बाद उन्हें इम्प्रेस कर दो, फिर प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए, उसे क्रिएट करना चाहिए। यार ये ट्रिक मुझे भी सिखा देना कार्तिक प्लीज। तुझे क्या जरूरत है, तेरी दोस्ती तेरा प्यार है। हाँ वो तो है। अगर वो दोस्त है तो फिर सीधा उससे बात करके खत्म कर। अच्छा, ये ट्रिक के फंडे तो मुझ जैसे लड़कों के लिए। बन गया मजनू है? या मुझे भी दिखाना। अच्छा, और तू उसके प्यार में पड़ गया? जा बे। जब तक वो मुझे नहीं मिलती, मेरी नहीं हो जाती, तब तक यही मेरी आंखों के सामने रहेगी। हेलो बेबी, मैं ऑफिस में हूँ, बोलो क्या बात है? तो फिर ये म्यूजिक कैसा? वो एक नया बार खुला है ऑफिस के पास में, शायद दरवाजा बंद नहीं किया है, आवाज वहीं से आ रही है। ओके ओके, पर मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। क्या बोला? हमारी शादी को तो एक ही महीना हुआ है, प्रेग्नेंट भी हो गई। एक महीने में कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, स्टूपिड। तो खबर क्या है? कार्तिक के गर्लफ्रेंड का नंबर मिल गया। ओह, जरा होल्ड करना है। सुन, एक पेन देना तो। हाँ बोलो। 9126 9126 123456 123456। ओहो, बड़ा फैंसी नंबर है। घर जल्दी आओ ना। हाँ, जैसे ये बार बंद हो जाते, मतलब ऑफिस। बताओ मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया? ए, एक तो रात को फोन किया, मैं तेरा खून कर दूंगा, सीधे पॉइंट पे। अच्छा ओके ओके ओके, कूल कूल कूल। हे, तेरे लवर का फोन नंबर मिल गया है। हाँ, मिल गया, चल बता। हाँ, 9 9 126 126। जल्दी बता यार। 126 नोट कर लिया? तूने नोटिस नहीं किया, ये फैंसी नंबर है। 9126 के बाद 126 9126 के बाद 126 126 126 126 सही से लिख लिया ना, कोई कंफ्यूजन? 126 126 ओके। तूने देखा फैंसी नंबर को कितना फैंसी स्टाइल में बताया? क्रिएटिविटी। नंबर पहले से फैंसी है, तेरी क्रिएटिविटी क्या है? फोन रख, बेवड़ा कहीं का। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ए संत फरामोश। टाइम 12:47, अभी तो सो रही होगी। ठीक है, आराम से सो जा, कल से तुम्हारी नींद गायब कर दूंगा। ठीक है, आओ सो जा। फोन क्यों नहीं उठा रही है? ठीक है, लेट्स वेट। श्रावणी देखा तूने? हमसे ज्यादा फेसबुक जरूरी है। ले फेसबुक वो यूज कर रही है, इरिटेट टू हो रही है, क्योंकि वो हमारी फ्रेंड है ना। अगर फ्रेंड है तो मदद कर, गलत रास्तों पर जाने वालों की हेल्प नहीं करते। और प्यार करना गलत कैसे हुआ? प्यार करना गलत नहीं, प्यार करने का तरीका गलत है। और तू उस चंपू से कैसे प्यार कर सकती है? सब कुछ परफेक्ट मिले ये जरूरी तो नहीं। अब शादी से पहले सब कुछ टेस्ट करवा लूँ, ऐसा पॉसिबल थोड़े होता है यार। इंटरनेट पे दोस्ती होती है, फिर दो हफ्तों तक चैटिंग, उसके बाद दो मुलाकातें, फिर लगता है प्यार हो गया। तेरे रिलेशनशिप को एक साल हो गया और तेरा बॉयफ्रेंड तो बचपन से तेरा बॉयफ्रेंड है, उसने कौन सा तीर मार लिया? सही कहा, आजकल रिलेशनशिप कहाँ टिकते हैं, एक दो हफ्ते में ही प्यार की दुकान उड़ जाती है।
ए, प्यार को तराजू में रख कर तौल नहीं सकते। प्लानिंग बिजनेस के लिए जरूरी होती है, रिलेशनशिप के लिए नहीं। प्यार तो कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ कैसे भी हो सकता है। ले पकड़। अच्छा, क्या मैं गल दसूं? हाँ बताओ। आई विश फॉर अ परफेक्ट गाय। अच्छा। जो मेरे लिए 100 मंजिल से भी छलांग लगा दे। वो इतना प्यार करे कि मानो मुझ में 100 बोतल का नशा चढ़ जाए। सभी ऐसा ही चाहती हैं। इसमें तेरी फैंटेसी क्या है? मैं चाहती हूँ कि मेरा मुंडा मुझे ऐसे प्यार करे जैसी मैं हूँ। ना तो खुद बदले, ना मुझे बदले, ना बैकग्राउंड, ना स्टेटस, ना मेरा नाम, कुछ ना पता हो। बिना कुछ जाने क्यों प्यार करेगा तुझसे? मेरा दिल देख के कर लेगा। ओहो, 4G के जमाने में 2G वाली बातें मत कर यार। आजकल बिना शक्ल देखे प्यार करना इम्पॉसिबल है। पर मुझे तो ऐसे ही प्यार करना है। ए, तेरा फोन कार में था। हेलो, ये इतने बड़ा था। इसमें एक मिस कॉल भी है। जरूर पप्पा होंगे। नो, अननोन नंबर। अननोन नंबर? गुजराती में बात करती हूँ उससे। भैया, हेलो। हेलो, कौन छे? हेलो, कौन छे? तुम कौन हो? तुम कौन हो? यही मैंने पूछा, मैं कौन हूँ? Is this some kind of a joke? Joke? तुम्हें हंसी आ रही है? या फिर मैं हंस रहा हूँ? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, कौन हूँ मैं? कदेड़ा। फोन कट कर। हाँ कट कर दो, वैसे भी लाइन कटी हुई है। मैं मिलने के लिए तैयार था, सोचा तुम मुझे पहचान लोगी। लेकिन कट करो, कर दो कट। क्या हुआ? तमी कौन छे बॉस? बॉस नहीं हूँ, क्लास हूँ। अपना क्लासरूम याद करो और मुझे पहचान लो। ए, मेरे ख्याल से तेरा कोई क्लासमेट होगा। तुम अपना नाम बताओगे या नहीं? मैं नहीं बताऊंगा, बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर निकाला है, खुद पता करो। क्या तुम क्रांति हो? ओ, वो क्रांति याद है तुम्हें? हाँ। अगर तुम्हें वो गधा याद हो सकता है तो तुम मुझे भूल ही नहीं सकती। मैंने सही कहा था। जब मैंने कहा कि तुम मुझे पहचान लोगी तो माँ को यकीन ही नहीं हुआ। तुम्हारी माँ कौन छे? मेरी डैडी की वाइफ है। गेस करो ना यार। क्या तुम वेणु हो? वेणु? वो नाकारा कामचोर घटिया आदमी याद है तुम्हें? तुम हर इंसान का नाम ले रही हो पर मेरा नहीं। चार्ल्स है? हो ही नहीं सकता। करेक्ट, तुम चार्ल्स हो ना? हो ही नहीं सकता, कहा ना, वो करेक्ट है। ये सुधीर लगता है, इसकी आवाज भी वैसी ही है। हेलो। तुम सुधीर हो क्या? सब समझ गया, वही शरारतें, वही परेशान करने की आदत, तुम बिल्कुल नहीं बदली। सुवात करे छे। सब कुछ जानती हो फिर भी भोली बनने की एक्टिंग कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है समझे। अच्छा ठीक है, थोड़ा हिंट तो दो। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। मैं कॉल कट कर रहा हूँ, कल फिर से कॉल करूंगा। अगर पहचाना तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, दोस्तों के बिना भी जी सकता हूँ। बाय। यस। तो इसे कॉल क्यों नहीं कर लेती? क्यों करूं, मैंने तो उसका नाम भी नहीं पता।